हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिजनेस आइडियाज़ बस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला 5 बिजनेस। वो वीडियो काफ़ी सारे लोगों ने देखा और पसंद भी किया, साथ ही साथ कई ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर, हम गाँव में बिजनेस तो करना चाहते हैं मगर इन्वेस्ट करने का के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस बताऊँगा जिसे आप 5 से 10 हज़ार रुपये के निवेश से शुरू कर सकते हैं और रोज़ाना आप 1 से 2 हज़ार रुपये इसमें कमा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी आपको मिलता रहे। पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, सब्जी सप्लायर का। दोस्तों, गांव में बहुत ही अधिक सब्जियों की खेती की जाती है, तो ऐसे में आप सब्जियों को गांव से कम रेट पर खरीद कर शहर में लेके जाकर आप सब्जी मंडी और कई ऐसे सब्जी की दुकानों में आप सप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही अधिक प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में रिस्क कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। दूसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, पानीपुरी का बिजनेस। दोस्तों, गांव हो या शहर, दोनों ही जगह पानीपुरी का डिमांड बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में पानीपुरी का बिजनेस करना एक आपके लिए लाभकारी बिजनेस हो सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में आपको कम पूंजी लगता है और इसमें प्रॉफिट बहुत अधिक है। देखने में ये बिजनेस काफ़ी छोटा लगता है, पर यकीन मानिए, गाँव में भी लोग इस बिजनेस को करके प्रतिदिन 1 से 2 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों, बिस्किट मेकिंग का। चाय के साथ आज भी लोग बिस्किट खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ऐसे कई ऐसे बिस्किट्स हैं जो कि मशीनों से नहीं बनाया जाता है, उसे हाथों से तैयार किया जाता है। और आप YouTube के माध्यम से आप 10 से 15 तरीक़ों के बिस्कुट हाथों से कैसे बनाए जाते हैं, 15 अलग अलग तरीक़ों के बिस्कुट बनाने के लिए आप इंटरनेट से सीख सकते हैं और उसे पैक करके आप अपने रिटेल के यहाँ बेच सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के यहाँ बेच सकते हैं। और ऐसे कई मतलब चाय की दुकानें हैं जहाँ पर आप बिस्कुट बनाए हुए जो हाथों से हैं उसे सप्लाई कर सकते हैं। इस बिज़नेस को आप कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं और कम पूंजी से ही आप माल को तैयार कर सकते हैं और उसे दुकानों में बेच सकते हैं। आप जितना ज़्यादा माल तैयार करोगे, आप उतना ज़्यादा ही इसमें पैसे कमा सकते हो। इस बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हो और ऐसे कई ग्रामीण महिलाओं को आप रोज़गार भी दे सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ट्यूशन क्लासेस। दोस्तों, गांव में भी आप ट्यूशन पढ़ाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को घर में जाके पढ़ा सकते हैं और उसके अधिक चार्ज ले सकते हैं। इसमें आप जितने अधिक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। पांचवा बिजनेस आइडिया है सिलाई सेंटर का। दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए और आपको कपड़े सिलने का जानकारी भी होना चाहिए। आप चाहे तो इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं भी एक शॉप लेकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लोगों के कपड़े सिलने के साथ साथ आप लोगों को सिखा भी सकते हैं सिलाई मशीन चलाना और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बताइए हमें कमेंट करके इन 5 बिजनेस आइडियाज़ में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी आपको मिलता रहे।